सिंह है, गाजियाबाद से आया हूँ। जी प्रॉपर गाजियाबाद से? जी प्रॉपर गाजियाबाद, विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर से। ये कस्बा है? कस्बा है, जिला है, कस्बा नहीं, जिला है, जिला है गाजियाबाद। अच्छा जी, आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। जैसे ये भाई आए हैं, और भी भाई आ सकता है और अपनी संतुष्टि करके ले जा सकता है। ऑफलाइन ले तो सबसे बढ़िया है भाई संदीप भाई जी। एक तो ग्राहक को विश्वास बनता है, अब इनको विश्वास हो गया, अभी पृथ्वी भाई के पास गए थे, कैसा व्यवहार है जी जी, ठीक है। अगर वीडियो बोल देते तो वीडियो में वो बात नहीं बनती संदीप भाई, एक अपनी आंखों से चीज देखते हो, अपने पैसा लगा रहे हैं, अपनी आंखों से देखो चीज कितनी बढ़िया ले रहे हैं जी जी, ठीक है। अब ये आए थे, इन्होंने अपनी संतुष्टि की दिल की जी जी, और इनको दूध भी दिखाया, जो चीज है वो बोल के दिए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, जो वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम, धन्यवाद जी। भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करें जी। शुभ नाम पृथ्वीराज है जी, गांव आठे छोटी, जिला श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान। अपना काम है जी भैंस दिलवाने का जी जी। हाँ जी, कोई भी भाई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड आके कॉल कर सकता है, आधी रात को भी आएगा तो मैं लेके आऊंगा जी। अच्छा जी, हाँ जी। बाकी जैसे अपना गांव है जो आठे छोटी जी जी, वो श्री गंगानगर मेन सिटी जिले से मतलब कौन सी रोड जाती है और कितने किलोमीटर है जी? पदमपुर रोड रोड है जी जी, गंगानगर से 5 किलोमीटर दूर अपना गांव है जी। 5 किलोमीटर दूर है हाँ जी। कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब? कॉन्टेक्ट नंबर है जी 88751-14916। तो ये नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। तो पृथ्वी भाई का ज्यादा दिलवाने का काम है, भाई साहब बाहर से भैंसे परचेज करवाते हैं, कस्टमर आते हैं, कस्टमरों के साथ भाई साहब की हर वीडियो बनती है। श्री गंगानगर से 5 किलोमीटर दूर है, गंगानगर से 5 किलोमीटर दूर है। कोई भी भाई जैसे फोन में वीडियो लेके आते हैं जी, अच्छा जी 70,000 की भैंस है भाई साहब, 16 लीटर दूध है। अच्छा जी, ठीक है। कोई बोलता जी 65,000 रुपए दे रहा है, वैसी भैंस अपने पास नहीं मिलेगी संदीप भाई। अच्छा जी, क्योंकि अपने पास बढ़िया चीज और घूम के दिलाते हैं, दिलाने का ही काम है। बढ़िया से बढ़िया भैंस लो, अपनी आके संतुष्टि करो, ऑनलाइन भेजता नहीं हो, ऑफलाइन का काम है भाऊजी जी जी, ठीक है। अपनी संतुष्टि करो, वीडियो में दिखाते हैं, वो भाई अपने पास ना आए जी, हाथ जोड़ते हैं। अच्छा जी, हाँ 75-60-65 वाली झोटी 16 लीटर दूध वाली नहीं मिलती भाई। अच्छा जी, सीधी सी बात है, ऐसे बोलने का हर एक बोलते हैं जी, जी ऐसे झूठ मार के बुलाएं ग्राहक को, वो यहाँ के अपने को तंग करे। कोई भी भाई घूम के आ सकता है अपने पास। अच्छा जी, ऐसे एरिया में घूम ले जी, कोई बता ना 65 की 70 की दे रहा है जी, तो वो एरिया में घूम के अपने पास आ सकता है जी। उसके बाद अपने भैंस दिलाने की गारंटी लेता हूँ जी जी, हाँ अपनी संतुष्टि करके ले सकते जी जी। 1,000 भैंस दिखा दूंगा जी जी, 1,000 भैंस में से 2 भैंस लो, 3 भैंस लो, 4 भैंस लो, जितनी मर्जी लो, मैं भैंस दिला दूंगा जी जी। वो कस्टमर की मर्जी है, वो कस्टमर की मर्जी है, 2 टाइम मिल्किंग करो, 4 टाइम मिल्किंग करो, हमारा कुछ नहीं लगता जी जी जी, ठीक है। गाड़ी मेरी है, पेट्रोल अगले का है जी, ठीक है, वो डलाएगा, मैं पूरा एरिया घुमाऊंगा उसको जी जी। 1,000 भैंस की गारंटी लेता हूँ, 1,000 भैंस मैं दिखा दूंगा। अच्छा जी, हाँ जी। कोई भी भाई आता है, बोलता है भाई उसके पास गए थे ऐसी बात थी जी, उसके पास गए थे ऐसी बात थी, पर ऐसा काम अपना नहीं है जी जी। अपना तो साफ सुथरा काम है जी, ईमानदारी का काम करते हैं जी। ग्राहक भी हर वीडियो में परमानेंट ग्राहक रहते हैं जी जी, ठीक है जी। और ग्राहक आते हैं तो पुराने भी ग्राहक मेरे पास आ रहे हैं, पिछली वीडियो में 6 साल से थे जी, तो हर वीडियो मेरे पास ग्राहक ही रहते हैं जी 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 जी। हाँ ग्राहकों से माल दिलाता हूँ। हाँ जी, बाहर से दिलवाने का भाई साहब का काम है। भाई साहब का कहना है कि कोई भी भाई आता है तो टाइम निकाल कर आए, फ्री टाइम निकाल के। हाँ जी, हाँ जी, अगला थक जाएगा, मैं नहीं थकूंगा जी जी। 1,000 भैंस भाई साहब दिखा देंगे, उस भैंसों के अंदर चुनकर कोई भाई अपनी मन पसंद की भैंस ले सकता बिल्कुल, है बिल्कुल, अपने तसल्ली करे जी 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 भाई, पैसा लगा के बंदा चीज ले रहा है जी जी, ठीक है। अपनी संतुष्टि नहीं करेगा तो क्या करेगा यार जी जी। कोई बेचारा गरीब किसान है, कोई बड़ा आदमी है, तो जैसे जैसे बंदा पैसा लगा रहा है जी जी, पैसा हर किसी के पास फालतू नहीं है जी जी, ठीक है। अपनी संतुष्टि करो जी जी, पैसा दे, मेरे पास आओ, रहने की खाने की व्यवस्था है जी जी। रात को मैं जाके गाड़ी से अगले को लेके आऊंगा रेलवे स्टेशन जी जी, बस स्टैंड आ जाए, जब मर्जी 24 घंटों में जब मर्जी कॉल कर सकता है जी, मैं जी हर एक के लिए तैयार हूँ जी जी जी। तो अपने पास आओ, अपनी अपनी चीज पसंद करो और अपने संतुष्टि करो जी। मेरा जी कहने का मतलब यही है जी, एरिया जी बहुत बड़ा है जी, कई भाई जैसे चले जाते हैं जी, दूर जी, वहाँ बोलते हैं भाई साहब हमारे को तो इतना रेट बताया था, भैंस नहीं मिल रही जी जी। तो मैंने कहा भाई वहां नहीं मिली थी, मेरे पास आओ जी जी। पर मेरे पास जो चीज है, अब का बाजार है संदीप भाई, 1,25,00,00 जी ये रेट चल रहा है भैंसों का जी जी। अब कोई भाई बोलता है 80 की दे देगा, 75 की दे देगा, 16 लीटर 20 लीटर दूध वाली जी जी, वो वाली बात तो है नहीं जी जी, ठीक है। ऐसे ही मैं इतनी दूर से बुलवा लूं, अगला के यहाँ पे परेशान हुए, अपने पास क्या फायदा संदीप भाई जी जी, ठीक है। तो कोई परेशान होने वाली बात तो है नहीं जी जी। जब चीज का पता चल रहा है, मैं हर वीडियो में रेट बोलता हूँ जी जी, भाई आपका बाजार तेज है जी जी, तो भाई फिर वही बात बोलो ना जी जी, को क्यों किसी को परेशान कर रहे हो जी जी। कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है जी जी भाई। मेरे को भी एक तो मेरे को तंग करोगे जी जी, ठीक है, एक आप तंग हो रहे हो जी, ठीक है जी। फिर आके बोलेंगे पृथ्वी भाई
हमारे को भैंस दिलाओ इस रेंज की। फिर मैं तो सीधा बात बोलता हूँ भाई, लाख की सवा लाख की, अब का जो ये महीना चल रहा है ना इसमें तो ये रेट है। भैंस का बयान तो नहीं है संदीप भाई अभी। जी जी जी। तो ऐसे अपने किसी को फोन करके बोल दे जी मिल जाएगी, परेशान करे, काफी लोग बुला रहे हैं जी जी, बोल रहे हैं उनको भाई आ जाओ आ जाओ, पर भैंस नहीं मिल रही इधर। अच्छा जी, नॉर्मल ऐसे माने की लमसम 13-14 किलो दूध से स्टार्ट, कितने रुपए के स्टार्ट हो जाएगी जी लमसम? 90,000 से ऊपर ऊपर चलेगी वैसे। 90,000 से ऊपर ऊपर ही, यही मान कर आए भाई साहब? आखिरी भैंस बिक रही है जो भैंस मिलती है ना 50-60 की जी, अब बिक रही है 80-85 की। अच्छा जी। हाँ, 2 महीने की बेई हुई। अच्छा जी। हाँ, इतनी मार्केट तेज है, बाजार तेज, बयान तो नहीं है बहू जी दूध के लिए आ रहे हैं लोग, पर भैंस तो महंगी है ना। तो भाई साहब का बिल्कुल साफ सुथरा कहना है दोस्तों, कोई भी भाई ऐसे वीडियो में नहीं बताते, भाई साहब हर वीडियो के अंदर क्लियरिटी बताते हैं, ना कोई कस्टमर यहाँ पर आने के बाद खराब हो, ना इनका समय व्यर्थ हो, ना जो भाई वीडियो देखकर इतनी दूर भागे आते हैं उनका व्यर्थ हो। भाई साहब बोल देते हैं चलो चलते हैं, काफी ग्राहक खाली जाते हैं, भाई साहब हमारा तो बजट इतना था हम कैसे ले लें जी, तो भाई अपना बजट देख के आए जी जी, ठीक है, इतनी दूर आ रहे हो आप, किराया भाड़ा अपना काम काज छोड़ के अपने इधर आ रहे हो जी जी, तो भाई अपने पहले वीडियो में देखो भाई क्या चीज चल रही है उधर जी जी, ठीक है। काफी लोग बोल देते हैं ये दे देंगे जी 65,000 रुपए की, इसका इतना दूध है जी, दूध नहीं होता जी, झूठ बोलते हैं लोग, निकालने वाला अलग होता है, निकालने वाला अलग होता है भाजी, जो बोलूंगा जो मेरे पास आएगा जी, उनके अगर फील्ड में भैंस दिलाऊंगा जी, 2 टाइम 4 टाइम तसल्ली करवा दूंगा, 2 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं जी जी, हाँ 2 टाइम मिल्किंग कर सकते हैं, 2 टाइम मिल्किंग करे टाइम टू टाइम जी जी, ठीक है। तो इससे आगे पृथ्वी भाई जो कस्टमर आए उनसे बातचीत करवा, हाँ बात करवाता हूँ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करें जी। मेरा नाम सौराज सिंह है, गाजियाबाद से आया हूँ जी, प्रॉपर गाजियाबाद से जी, प्रॉपर गाजियाबाद, विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर से। ये कस्बा है? कस्बा है, जिला है, कस्बा नहीं जिला है, जिला है गाजियाबाद। अच्छा जी। और पृथ्वी भाई से संपर्क कैसे हुआ जी? यूट्यूब के माध्यम से हुआ था। यूट्यूब के माध्यम से हुआ। कब आए थे आप? मैं आज सुबह आया हूँ, गाड़ी उतरा हूँ ट्रेन से। अच्छा जी, सुबह मिल गई। अच्छा जी, तो जैसे स्टेशन पर लेने के लिए पहुंचे जी? पृथ्वी भाई गए, पहुंच गए थे। पहली बार गंगानगर आए हो कि उससे पहले ही? उससे पहले बार भी आया था मैं, मगर मुझे संतुष्टि नहीं मिली थी। मैं अब पृथ्वी भाई का यूट्यूब पे देखा। अच्छा जी। तो अब मुझे भैंस आज ही आया, आज ही भैंस मिल गई, आज ही मिल गई। कितनी की भैंस बार फील्ड में घुमाकर दिखाई जी आपको? भैंस तो आज मेरे ख्याल 400-500 भैंस दिखा दी। 400-500 जो भैंस पसंद आई वही भैंस आपने रखी है? हाँ वही भैंस रखी जो मुझे पसंद आई, जो पसंद आई यानी कि। तो बाबू जी एक तो ये बहुत अच्छी भैंस खड़ी है जो मुर्रा के अंदर है, पृथ्वी भाई थोड़ा सा इधर होना जी। जी जी। तो दोस्तों ये भैंस देख सकते हैं, आपको चलाकर भी दिखाऊंगा साथ के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी की भैंस है सर। ये रखी है आपने एक? ये रखी है। तो पृथ्वी भाई कितने, सर आप ही बताएं जी, कितने रुपए की रखी है ये? ये 1.25 लाख की रखी है, 1.5 लाख की इसकी बात चल रही थी, मांग रहे थे जो मालिक ने 1.5 लाख रुपए मांगे थे, 1.25 के लिए, 1.25 की, 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की ये भैंस रखी है, डेट मांगा था। तो जैसे सौदेबाजी में कैसा राजी, जो रेट आपने बोला वही रेट में दिलाए? तो बोले नहीं बीच में, जैसे जो है पृथ्वी भाई ने कर दिया। अच्छा जी। जैसे कर दिया हमको बीच में, बोले नहीं हमारे हिसाब से जो रेट बताए हमें सही लगा तो हमें ले। कैसे विश्वास बना जी? हाँ विश्वास बना तो तल ले ली। कितने दूध वाली है जी कम से कम? अब ये 20 लीटर बताया है ना, 17-18 लीटर मौजूद है, 17-18 लीटर दूध वाली भैंस। और भी बाहर ऐसी भैंसे देखी जी? और भी देखी थी जी, पर मुझे तो पसंद यही आई है। पसंद आई है और बाकी मिली भी बजट में है जी, मिली बजट में, क्योंकि ब्रीड बहुत शानदार है जी भैंस की। 1.25 लाख रुपए में दोस्तों ये भैंस रखी है, बहुत कम भाई साहब कम देखने को मिलती है जी ऐसी एडर क्वालिटी रोर। तो जी बात ये ऐसी है संदीप जी जी, कि ये इनके किस्मत अच्छे थे जी, ठीक है, जो सौदेबाजी करते करते मिल गए, नहीं तो अब के टाइम ये भैंस है जो बाजार में जी 31-35 की भैंस है। अच्छा जी। आराम से जी भाई, ये बाबूजी की किस्मत है जी, ठीक है, और बाबूजी के दिल में लगी थी, बाबूजी बोले ये लेके दो जी जी जी, तो एक इनको लेके दी और एक इनको भैंस लेके दी। नमस्कार भाई साहब। क्या अपना नाम है जी, शुभ नाम? बिल्लू सिंह। बिल्लू सिंह। हाँ जी। आपने भी भैंस रखी है जी? हाँ जी। आपने कितनी एक भैंस रखी है? एक भैंस। यानी कि दो, आप सर दो आए थे दोनों जन? हाँ। एक एक भैंस लेने के लिए। आपने कैसी की भैंस रखी है भाई साहब? दूध की है। आप ही बताइए। दूध की भैंस है इनकी। अच्छा जी, कितने रुपए की रखी है जी वो? इनकी भैंस जो है 95 की रखी है। 95,000 रुपए की, और 100 ऊपर का रेट हो रहा था उसका। अच्छा जी, 95,000 रुपए की रखी है। 95,000 रुपए में नीली रावी ब्रीड के अंदर है जी, और 15-16 लीटर दूध है। 15-16 लीटर दूध वाली। तो ये भी दोस्तों वीडियो मैंने बनाई हुई है, ये वीडियो क्लिप आपको बीच में दिखा रहा हूँ ताकि
जो भी भाई कस्टमर आ रहे हैं तो उनको पता चलना चाहिए किस रेंज की कैसी भैंस मिलती है, सही है ना भाई साहब? संदीप भाई, 1.15 मांगा था, नीली रावी ब्रीड की भैंस थी जी, ठीक है जी। तो ये बोले यार अपना तो बजट कम है जी। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आपके बजट में लेके दूंगा। अच्छा जी। इन्होंने बोला संदीप पृथ्वी भाई मेरे को ऐसी भैंस चाहिए जी। मैंने कहा देखो भाऊ जी घुमा दूंगा, जहां आपको अच्छी लगे, आपकी किस्मत है अगर मिल गई तो मैं आपको भैंस लेके दूंगा। नीली रावी भैंस है, ताजा भैया, ये पीछे कटड़ी है। अच्छा जी। हाँ जी। और 15-16 किलो दूध वाली, 15-16 किलो दूध है, 95,000 रुपए, 95,000 रुपए की रहेगी दी है। तो कैसा व्यवहार रहा जी भाई का? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या चार्ज लिया जी? पूरे दिन भैंस दिखाने में रह गए। अच्छा जी। पूरे दिन गाड़ी इसमें हमारे साथ रहे, पूरे दिन गाड़ी में चला के चारों तरफ घुमाया। अच्छा जी। जहाँ हमें पसंद ली हुई वहाँ लिए, वहीं लिखी है। क्या चार्ज लिया जी? 1,000 रुपए लिया चार्ज। 1,000 रुपए भैंस का। कोई भी भाई वीडियो देख रहे हैं जैसे अपना गाजियाबाद साइड से कहीं और से, मतलब काम काज के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे संतुष्टि करवाते हैं, संतुष्टि पूरे दिन हमारे साथ रहे हैं, कोई भागा दौड़ पूरे दिन रहे, बल्कि भैंसों के चक्कर में खाना पीना भी नहीं खाया, भैंस दिखाने के चक्कर में। अच्छा जी। हमारे साथ पूरे दिन हो गया जी जी, आज घूमते घूमते जी जी, अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है जी जी, तो अब जाकर कुछ खाए पियेंगे अब और चलने की तैयार करेंगे। भाड़ा क्या लगा सर ये बताओ पहले को? भाड़ा जो है गाड़ी का, जो गाड़ी करी है? हाँ जी हाँ जी। जैसे 12,500 रुपए की है। 12,500 पिकअप जाएगी। अच्छा जी। उसमें दो ही भैंस लिए हमने, दो ही आराम से उसमें चली जाएगी। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई साहब। संदीप भाई धन्यवाद, जो वीडियो देखने वाले भाइयों को भी धन्यवाद। ठीक है, कोई भाई आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। जैसे ये भाई आए हैं, और भी भाई आ सकता है और अपनी संतुष्टि करके ले जा सकता है। ऑफलाइन ले तो सबसे बढ़िया है भाई संदीप भाई जी। एक तो ग्राहक को विश्वास बनता है, अब इनको विश्वास हो गया, अभी पृथ्वी भाई के पास गए थे, कैसा व्यवहार है जी जी। ठीक है, अगर वीडियो बोल देते तो वीडियो में वो बात नहीं बनती संदीप भाई। एक अपनी आंखों से चीज देखते हो, अपने पैसा लगा रहे, अपनी आंखों से देखो चीज कितनी बढ़िया ले रहे हैं जी जी। ठीक है, अब ये आए थे, इन्होंने अपनी संतुष्टि की दिल की जी जी, और इनको दूध भी दिखाया, जो चीज है वो बोल के दिए जी, और इन संतुष्टि करके अपनी चीज लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है।